नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये वीडियो का टॉपिक। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, सर मैकेनिकल बेस्ट है या सिविल बेस्ट है, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारी वीडियोस पे आप लोगों ने कमेंट किया था। तो वहां से मैंने ये टॉपिक पिक किया कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया जाए कि मैकेनिकल बेस्ट है या सिविल बेस्ट है। देखो, जब हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ डिसीजन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि सेल्फ डिसीजन लो, आपके मम्मी क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, ये डजंट मैटर। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो उस चीज को कभी मत करो। किसी भी ब्रांच में जबरदस्ती अगर घर वाले एडमिशन देते हैं और आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो चीज आपके फ्यूचर को, आपके करियर को बर्बाद कर सकती है और बहुत खतरनाक होता। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, उनके घर वालों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया, मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा जॉब पा जाएगा, अच्छा करियर हो जाएगा, बच्चा सब चौपट कर डाला, इंजीनियरिंग में फेल हुआ, बैक लगे, किसी तरह से इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो जॉब के लिए रोना पड़ गया। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं और चीजें मिलकर ओवरऑल बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की हम बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर में टूल्स प्रोडक्शन होते हैं, उसके बाद फिर डिजाइनर होते हैं जो 2D प्रो के मैकेनिकल डिजाइनर होते हैं वो होते हैं। देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना अपने में एक बहुत टफ इंजीनियरिंग मानी जाती है हमेशा से, ये नहीं रहा, एक चैलेंजिंग होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब, इतना आसान नहीं होता मैकेनिकल इंजीनियर बन जाना। तो हम सब लोगों को ना पहले चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले भैया, एकदम प्लांट में जॉब लग जाएगी, अच्छी खासी जॉब होगी, 50,000 रुपए महीने मिल जाएंगे, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है, चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें हो गए, कंपटीशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स बढ़ गए हैं, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो। मैकेनिकल की बात करते हैं हम, कि एक टाइम था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लोग पागल होते थे। मैं भी एक टाइम था कि जब मैं सोचता था कि इलेक्ट्रॉनिक से मैंने अपनी ब्रांच मैकेनिकल चेंज करा लूं, लेकिन जब मैं स्टडी करने लगा, मेरा मन लगने लगा, तो मुझे लगा नहीं ठीक है, मैं इसी ब्रांच में खुश हूं और आईटी से रिलेटेड चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो मैं सोचता था अगर इसमें नहीं तो मैं आईटी इंडस्ट्री में चला जाऊं। फाइनली मैंने आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया है। उसके बाद मैं बात करता हूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल को लोग ब्रह्मास्त्र समझते हैं इंजीनियरिंग की, कि भैया अगर इसने बंदे ने सिविल से इंजीनियरिंग कर ली तो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, 2 नंबर का पैसा आएगा, ये है वो, ये डजंट मैटर यार। दुनिया 2019 में आप जी रहे हो यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, 2 नंबर का पैसा, ये सारी चीजें, ये सब माइंडसेट से आप हटा दो। पहले आप लीगल तरीके से जिंदगी जीना सीखो। आप 10 रुपए में बता दूं ऑनेस्टली कि मैं मतलब कितना भी पैसा कमा रहा हूं उस टाइम, मैं उतना खुश नहीं रहता हूं जब मेरे फादर मेरे को 5,000 देते थे इन्हें मंथ खर्चा पानी, तब मैं जितना खुश रहता था। तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है, पैसा डजंट मैटर, हर जगह पैसा ही नहीं मैटर करता। लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल की मार्केट थोड़ी सी जरूर डाउन हुई, मैकेनिकल की भी मार्केट थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन आप सही तरीके से अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के, सिविल एक ऐसा मतलब फील्ड है ना जिसमें बिना ट्रेनिंग के 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद आप अच्छे लेवल पे जा ही नहीं सकते हो, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो। गवर्नमेंट इंडस्ट्री में सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, गवर्नमेंट तो सैलरी देती रहेगी, लेकिन वहां भी काम सीखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। मतलब एक होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आईटी में 6 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें साल साल 2-2 साल चीजों को एनालाइज करना पड़ता, सीखना पड़ता है, क्योंकि चीजों को आप सीखोगे नहीं ना तो जानोगे कि चीजें कैसे काम कर रही है, कैसे हो रही है और इन चीजों पर कैसे काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो लोग मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हो वो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करें और जो लोग सिविल से इंटरेस्टेड हो सिविल से करो। दोनों ही ब्रांच अपने फाड़ू ब्रांच है और दोनों का स्कोप एक टाइम था कि बहुत मतलब बेस्ट था, एक टाइम आया मिड लेवल पे है अभी। ये मैं नहीं कह सकता कि सिविल और मैकेनिकल दोनों का स्कोप बहुत अच्छा है, दोनों का स्कोप एवरेज है अभी। आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता दोनों बहुत बुरे लेवल पे हैं। लेकिन हाँ, कोई भी इंजीनियरिंग मतलब कंटिन्यू वे में बहुत पीक पॉइंट पे नहीं रहती, कभी मैकेनिकल के अच्छे दिन आते हैं, कभी सिविल के होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, तो कभी इलेक्ट्रिकल के होते हैं, कभी आईटी के होते हैं, कभी आईटी के ऐसी मार्केट थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, आज से 7-8 साल पहले जब सत्यम जैसी कंपनियां डूबी थी तो आईटी के मार्केट में कोई जॉब ही नहीं करना चाहता, सबको लगता था अरे यार तो बेकार है हटाओ यहां से। तो वो चीजें आपको समझने की जरूरत है, जब वो चीज आप समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में से जो मैंने ब्रांच चूज किया अपने मन से वो ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।